नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के खैरलांजी से। अन्य उत्सव में पहुंचे पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल, कहा अनाज की गुणवत्ता पर भी सरकार का ध्यान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 7 अगस्त को तहसील क्षेत्र में सभी उचित मूल्य दुकानों पर कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। हालांकि इस दौरान बारिश ने जरूर रुक रुक कर कार्यक्रम को थोड़ा बाधित करने का कार्य किया। इसी कड़ी में मुख्यालय स्थित मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा मार्केटिंग सोसाइटी अध्यक्ष किशोर पारासर, ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता खड़से व अन्य अतिथियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न के बैग वितरित किए गए। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। आज अन्न महोत्सव का कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसके आधार पर सारे भारतवर्ष में गरीबों को, करोड़ों गरीबों को, लगभग मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 80% लोगों को आज अनाज का वितरण किया गया। और हमने देखा कि जो वितरण किया जा रहा है वो 10 किलो कम से कम अनाज जो है वो हितग्राहियों को दिया गया है। और ये कोरोना काल में जो मजदूरों को तकलीफ हुई, गरीबों को तकलीफ हुई, उस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए लोगों को पौष्टिक आहार मिले और लोग वापस कोरोना की तीसरी लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ इस योजना के अंतर्गत राशन वितरित किया गया है।